असलकुम थ्री क्लास थ्री क्लास बेटा हॉ आर यू ऑल टुडे आर टॉपिक इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री आज हम क्वेश्चन नंबर थ्री करने जा रहे हैं सो आर क्वेश्चन नंबर थ्री इज राइट द फाइंडिंग्स ऑफ आइजिक न्यूटन वट इज द वट इज क्वेश्चन नंबर थ्री राइट द फाइंडिंग्स ऑफ आइजक न्यूटन मतलब जो आइजक न्यूटन है उसने क्या किया किस किस चीज़ को फाइंड आउट किया था वो फोर्स के बारे में ठीक है द आंसर इज़ फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स मेक्स थिंग्स मूव इसने सबसे पहले कहा था कि फोर्स की हेल्प से जो चीज़ें हैं वो मूव करती हैं हरकत में आती हैं सेकेंड पॉइंट था इट मेक थिंग स्पीड अप एंड स्लो डाउन मतलब के जो फोर्स अगर अप्लाई करें फ़ोर्स ही चीज़ों को स्पीड अप करती है फोर्स ही चीज़ों को स्लो डाउन करती है अब वो कहता है थर्ड पॉइंट था द स्ट्रोंगर द फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रोंग फोर्स अप्लाई की जाएगी द फास्टर द स्पीड उतनी ही स्पीड फास्ट होगी फॉर एग्ज़ाम्पल हम आ, कार ड्राइव कर रहे हैं ठीक है हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस अप्लाई की है जो हम उसके रेस अप्लाई कर रहे हैं ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जितनी ज़्यादा फास्ट हम उसको फ़ोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा स्पीड से गाड़ी जो है वो मूव करेगी ठीक है ये इसमें आता है फास्ट स्ट्रोंगर द फोर्स जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा फास्टर चीज़ जो है वो स्पीड से मूव करेगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बैट बॉल खेल रहे हैं तो हमने हिट करना है बॉल को बैट uh, के साथ तो जितनी स्पीड से हम बॉल को हिट करेंगे बॉल उतनी ही स्पीड से जो है वो मूव करती हुई जाएगी बैट अप्लाई करेगा फोर्स ऑन द बॉल एंड जो बॉल है वो आगे से मूव करती हुई जाएगी जिस स्पीड से वो फास्टर द स्पीड आएगी अकॉर्डिंग टू द फोर्स ठीक है क्लास ये आपने क्वेश्चन नंबर थ्री राइट द फाइंडिंग्स ऑफ आइजिक न्यूटन ये थ्री पॉइंट्स करने हैं फोर्स मेक थिंग्स मूव इट मेक्स थिंग्स अप एंड स्लो डाउन द स्ट्रोंगर द फोर्स इज द फास्टर द स्पीड